आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या हुई 89। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस व मास्क का करें प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, समय समय पर अपने हाथों को करें हैंड वॉश। फर्जी IGRS डालकर पुलिस को परेशान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। IGRS पर आई शिकायतों की जा रही है जांच, SSP ने दी जानकारी। दो फरवरी को CM योगी व गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला लेडी डॉन निकला भीम आर्मी का कार्यकर्ता सोनू। आगरा जेल में बंद सोनू को कैंट पुलिस लेकर आई गोरखपुर, न्यायालय में रिमांड बनवा कर भेजा जेल। कलेक्ट्रेट कार्यालय को पर्यटन ऑफिस में शिफ्ट होने पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित न्यायालयों का किया निरीक्षण। कहा, अधिवक्ताओं व वादकारियों को सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट से न्यायालय का कार्य होगा संचालित, जगहों को किया गया है चिन्हित। दो वर्ष पूरे होने पर DIG जे रविंद्र गौड़ ने रेंज के साइबर थाने का किया निरीक्षण। कहा, दो सालों में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों का 1 करोड़ रुपए की राशि का करवाई जा चुकी है रिकवरी। साइबर अपराध से जुड़े मामलों का हो रहा है समाधान। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों का विशेष रूप से रखे ध्यान, शासन की सभी सुविधाओं को करवाएं उपलब्ध। अपहरण के आरोप में कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त शनि गुप्ता को किया गिरफ्तार, अपहृता को किया साकुशल बरामद भेजा जेल। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, अच्छे तरीके से हो फ्रिस्किंग ताकि चाक चौबंद रहे न्यायालय की सुरक्षा। दो दर्जन से ज्यादा कोल्ड चेन हैंडलर को कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, पिछले कोविड के दौरान टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में कोल्ड चेन हैंडलर ने निभाई है अहम भूमिका। और 26 जून तक जनपद में आएगा मानसून, होगी वर्षा, बाढ़ से निपटने की सभी तैयारी है पूरी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी।